नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बताएंगे बीन्स की खेती किस प्रकार से करें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जाएगी काफी सारा रिसर्च करने के बाद ये जानकारी दी जाएगी, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका होगा। और इस वीडियो को देखकर अगर आप बीन्स की खेती करते हैं तो कोई कारण नहीं होगा जिससे आपका उत्पादन कम मिलेगा। उत्पादन में अन्य साल के मुकाबले इस साल आपको वृद्धि मिलेगी और भी कई सारा जानकारियां मिलेगी इस वीडियो में, बीन्स की खेती की संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को आधा अधूरा ना छोड़े किसान भाइयों, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी अगर आप खेतों में इस्तेमाल करते हैं इससे आपको गलत प्रभाव पड़ सकता है आपकी खेती में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी फसल उगाने के लिए उसका सही उत्पादन में सबसे अगर अहम रोल होता है तो उसके टॉप वैरायटी यानी उन्नत किस्में का रोल होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीन्स की कौन सी उन्नत किस्में लगाएं जिसकी पैदावार सबसे ज्यादा है एवं कम समय में तैयार हो जाएगी और उसका मार्केट में डिमांड भी ज्यादा है। तो चलिए उन्नत किस्म के बारे में जानते हैं, उसके बाद बहुत सारा जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो बीन्स के जो पहले नंबर की उन्नत किस्में आती है वह झाड़ीदार किस्में। किसान भाइयों, झाड़ीदार किस्में ये उन्नत किस्म है जिसे स्वर्ण प्रिया नाम से जाना जाता है। उत्पादन की बात करें कितने समय में यह उत्पादन बिल्कुल तरीके से देगी, तो 50 दिन में यह जो वैरायटी है बिल्कुल तरीके से तैयार हो जाएगी। अगर बात करें उत्पादन की तो इसकी उत्पादन है 11 टन प्रति हेक्टेयर। उसके बाद दूसरी नंबर पर हमने जो वैरायटियां रखे हैं प्रजातियां वो है आर्का संपूर्णा, ये 50 से 60 दिन में तैयार हो जाएगी, 8 से 10 टन इसकी पैदावार मिलेगी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों। तीसरी नंबर पर हमने रखा है आर्क समृद्धि, ये जो है 60 से 65 दिन में आपको तैयार हो जाएगी, लेकिन इसकी जो उत्पादन है सबसे ज्यादा है किसान भाइयों, इसकी उत्पादन आपको 19 टन प्रति हेक्टेयर मिल जाएगी जो कि काफी सारा किसान भाइयों का पसंदीदा वैरायटी है और काफी सारा किसान भाई इस वैरायटी को लगाते हैं। उसके बाद आता है आर्का जय, ये 50 दिन में तैयार हो जाएगी, 12 टन की उत्पादन मिल जाएगी। उसके बाद अब हम कुछ अलग टाइप के बेलदार किस्में में बात कर लेते हैं। बेलदार किस्में आपको स्वर्ण लता मिल जाएगी जो 60 दिन में तैयार हो जाएगी, 12 से 14 टन प्रति हेक्टेयर की उत्पादन देगी। उसके बाद एक आती है CHP B1820, ये 50 दिन में तैयार होगी, 18 से 20 टन की उत्पादन मिलेगी। अब बात करते हैं इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है, इसके खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए, जमीन का पीएच मान कितना चाहिए, ये सारी बेसिक जानकारी काफी जरूरत है जानना बीन्स की खेती के लिए। तो किसान भाइयों, बीन्स की अच्छी पैदावार के लिए काली चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। बीन्स की खेती जल निकासी वाली भूमि में करें या कोई भी फसल आप उगा रहे हैं तो जल निकासी वाली भूमि का ध्यान रखें चुनाव में। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच होना जरूरी है किसान भाइयों। बीन्स का जो पौधा होता है वो समशीतोष्ण जलवायु वाला होता है, यह बात को ध्यान रखना है। ठंड में इसके पौधे अच्छे से विकास करते हैं, तो अभी के समय में ठंड गिर रही है तो अभी आप बीन्स लगाते हैं तो सबसे ज्यादा पैदावार मिलेगी किसान भाइयों, क्योंकि ठंड बर्दाश्त करने की इसके अंदर काफी ज्यादा क्षमता है और ये ठंड में ही ज्यादातर होता है। गिरने वाला पौधा जो पाले होता है इसका पौधा आसानी से सहन कर लेता है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, अधिक गर्म जलवायु ये सहन नहीं कर पाता है। बात करें किसान भाइयों, इसकी फसल को 15 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। बीज अंकुरण, अगर जैसे आप बीज लगते हैं अंकुरण के लिए उस समय 20 डिग्री तापमान है तो अच्छी से आपका बीज अंकुरित हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जब आप बीन्स की खेती कर रहे हैं तो इसकी खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। किसी फसल को खेत में उगाया जाता है तो सही से खेत की तैयारी करना शुरुआती विकास के लिए बेहद जरूरी होती है। तो बीन्स की खेत की तैयारी के समय खाद एवं उर्वरक भी डालना काफी महत्वपूर्ण है किसान भाइयों, अगर खाद में कमी आती है तो इससे भी वृद्धि पौधा की कम होगी। बीन्स की खेती करने के लिए सबसे पहले खेत में जो भी पुरानी अवशेष पदार्थ है उसे नष्ट करने के लिए एक बार आपको मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करवा देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्राकृतिक खाद के रूप में आप 10 से 12 गाड़ी पुरानी जो सड़ी हुई एकदम हो 2-4 साल पुरानी वो काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी, वो गोबर की खाद आपको डालकर इसमें जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेनी है, जिसे अगर रोटावेटर से जुताई कराते हैं तो मिट्टी आसानी से भुरभुरी होगी, जिससे गोबर की खाद और मिट्टी एक दूसरे को मिल जाएगी। उसके बाद प्लेवे करके फिर से एक बार आपको जुताई कर देना है, उसके बाद आपका मिट्टी बिल्कुल तरीके से तैयार हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, खेत में पाटा लगाकर समतल कर लेना है, इससे होगा कि भूमि में जल भराव की समस्या नहीं होगी
और उसके बाद अगर हम बात करें किसान भी कर रहे हैं बीन्स की खेती, तो इसकी सिंचाई, अधिक सिंचाई की जरूरत तो नहीं होती है, समय समय पर आपको सिंचाई करना है। और बीन्स के बीजों की रोपाई के सही समय की बात करें तो, अगर बात करें तो इसका सर्दी के मौसम में कर सकते हैं, और 80 से 100 केजी बीजों की आवश्यकता आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बीन्स की खेती। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।